एपिसोडों में गाइसियर हम लोग जानेंगे कि ये जो गिल वाला टाइटल होता है जो कि अभी के टाइम पे आप लोगों ने काफी सारे प्लेयर के पास देखा होगा, तो ये हमें कब और किस तरीके से मिलता है, इसके क्या क्या रूल्स है, इसका क्या फंडा है, एंड साथ ही साथ गाइस गिल्ड वार से जुड़ा अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस यहाँ पे गिल्ड वाला टाइटल लेने के लिए बेसिकली आपको तीन चार स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये कि आपको किसी एक गिल्ड को ज्वाइन करना है जिसमें कम से कम 30 बंदे हों, क्योंकि आपके गिल्ड में 30 बंदा रहेगा तभी ये जो गिल्ड वार वाला मोड है वो आपके लिए अनलॉक होगा, आप लोग उसको खेल पाओगे। अब गाइस यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे क्या है कि ये जो गिल्ड वार वाला मोड है वो हर सैटरडे के दिन शाम के 6:30 से लेकर के रात के करीब 10:30 तक ये जो मोड है वो ऑन होता है, चलता है, एंड आपको उसी बीच जो है उस वाली मोड को खेलना है। वो सिंपल सा जैसे फुल मैप होता है वैसे ही होता है, आपको स्क्वाड बना के उस मोड को खेलना है। आप चाहो तो अपने गिल्ड के बंदे के साथ स्क्वाड बना के खेल सकते हो या फिर बाहर के बंदे के साथ भी बना कर के खेल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने गिल्ड के बंदे के जो आप जिस गिल्ड में हो उसी गिल्ड के बंदे के साथ स्क्वाड बना के खेलो, क्योंकि उससे जो है आपको ज़्यादा फायदा होगा, वो आगे आपको पता चल जाएगा। यही नहीं अभी और सुनिए, किस यहाँ पे देखो क्या है कि जब आप लोग गिल्ड वार मोड खेलोगे तो उसमें आप जितना किल करोगे आपका जो पोजीशन होगा जिस मैच के अंदर उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है पॉइंट। यहाँ पर किल के बदले हम लोगों को 4 पॉइंट मिलता है, मतलब कि 1 किल करोगे तो 4 पॉइंट, 2 किल करोगे तो 8 पॉइंट, ठीक है। और अगर आप बुइया कर लेते हो तो आपको अलग से 12 पॉइंट मिलता है, वहीं अगर आप लोग टॉप 3 या फिर टॉप 10 करते हो तो उसका भी 8-10 पॉइंट मिलता है, ठीक है। लाइक गाइस यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कल गेम खेला था, तो देखो इस वाली मैच के अंदर मैंने बुइया किया था और मेरा 5 किल था, तो 1 किल के बदले हमें मिलता है 4 पॉइंट, तो 5 किल का हो गया 20 पॉइंट, एंड बुइया के बदले मुझे मिला है 12 पॉइंट, तो टोटल गाइस यहाँ पे देख सकते हो 32 पॉइंट मिला है, ठीक है। अब गाइस कुछ लोगों का ये सोचना है कि भाई जो गिल्ड वार मोड आता है उसको हम लोग जितना ज़्यादा खेलेंगे हमें जो है उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, जबकि गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ टॉप 5 मैच ही काउंट होता है। मतलब कि आप 8 मैच खेलो, 10 मैच खेलो, जितना भी मैच खेलो, आपका जो 5 सबसे अच्छा मैच रहेगा जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट मिलता है सिर्फ वही 5 मैच का जो पॉइंट है वो काउंट होता है। लाइक यहाँ पे देखो कल मैंने करीब 7-8 मैच खेला था, लेकिन यहाँ पे ये 5 ऐसे मैच थे जिसमें मेरा ज़्यादा पॉइंट था, तो सिर्फ वही पॉइंट काउंट हुआ। और टोटल गेस यहाँ पे देख सकते हो मेरा कल के दिन, कल जो गिल्ड वार हुआ था राउंड 2 वाला, उसमें मेरा 126 पॉइंट था मेरा खुद का स्कोर, ठीक है। अच्छा सुगिस यहाँ पे देखो ये जो 126 स्कोर है ये मेरा खुद का अकेले का स्कोर है, वहीं अगर आप लोग लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके गिल्ड के जितने भी प्लेयर है सबका यहाँ पे नेम एंड उसका स्कोर दिखेगा। जैसे ये जो बंदा है कल के राउंड 2 में सबसे ज़्यादा स्कोर किया 214, फिर 162, 155, ऐसे करके सबका नेम यहाँ पे स्कोर दिखेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप लोग अपने गिल्ड के बंदे के साथ स्कोर बना के खेलते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने एक मैच बुइया किया तो आपको 12 पॉइंट तो मिलेगा ही, बाकी जो 3 प्लेयर है वो आपके गिल्ड का ही है तो उन लोगों को भी 12 पॉइंट मिलेगा, मतलब कि बुइया करने पे सबको फायदा हो जाता है। एंड यहाँ पे जो टाइटल है गाइस वो हम लोगों को खुद के अकेले पॉइंट से नहीं मिलता है, बल्कि पूरे गिल्ड का जो पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को टाइटल मिलता है। लाइक यहाँ पे देखो आप लोग लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो ये जो लीडर बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया ये आपके गिल्ड के प्लेयर के बीच का दिखा रहा कि कौन टॉप पे है, कौन मतलब कि लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इंडिया, एंड यहाँ पे जो आपका स्टेट होगा जैसे मेरा बिहार है तो यहाँ पे दिखा रहा। लाइक यहाँ पे देखो कल के दिन हमारे गिल्ड का पूरा जो स्कोर था वो था यहाँ पे 3200, जिसमें मेरा 160 था, बाकी सारे गिल्ड का प्लेयर जो भी खेलेगा सबका यहाँ पे स्कोर जो है वो काउंट होता है। रात के गैस यहाँ पे 10:30 में गिल्ड वार जो है वो ख़त्म होता है, एंड उसके बाद फिर वहाँ पे चलता है कैलकुलेशन, करीब 12 बजे जो है आपका कितना पूरा गिल्ड का स्कोर हुआ वो चीज़ यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 3200 है ये मेरे पूरे गिल्ड का स्कोर है, एंड इस स्कोर के बेसिस पे अगर आप लोग इस वाले रीजन लीडर बोर्ड पे रहते हो, जैसे मेरा नाम, मेरे गिल्ड का जो नेम है वो 31 नंबर पे, ठीक है, तो अगर आपके गिल्ड का नेम
टॉप 100 के अंदर भी रहेगा तो आपको जो टाइटल है वो मिल जाएगा। अगर आपका नेम आपके स्टेट वाले में है तो उसमें वो वाला मिलेगा, और अगर आपके गिल्ड का नेम जो है वो इंडिया वाले में है, इंडिया वाले लीडरबोर्ड में, तो आपको जो है इंडिया वाला टाइटल मिलेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, इस बार हमारा जो गिल्ड है वो इंडिया में तो नहीं जा पाया, लेकिन हाँ स्टेट में जो है वो 31 नंबर पे है, तो हमें वो वाला टाइटल मिल चुका है। ठीक है, दूसरी चीज गाइस, ये जो टाइटल है वो अगले सैटरडे तक हमारे पास रहेगा, क्योंकि अगला जो राउंड 3 का गिल्ड वार है वो सैटरडे के दिन ही स्टार्ट होगा, तो अगला सैटरडे तक ये जो गिल्ड वार का टाइटल है वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, फिर अगला सैटरडे को जो राउंड 3 होगा उसमें अगर हमारा गिल्ड फिर से रहता है इस वाली लीडर बोर्ड पे, तो हमें जो है फिर से ये टाइटल मिल जाएगा, और अगर इस लीडर बोर्ड में नहीं रहता है तो जो टाइटल है वो हमारे आईडी से हट जाएगा। ठीक है, और इस टाइटल को सिंपल सा इक्विप करने के लिए आपको जाना है अपने आईडी पे, एंड यहाँ पे अगर आपके पास कोई गन वगैरह का है तो उसको आपको रिमूव कर देना है, एंड लास्ट में आपको गिल्ड वाला दिखेगा उस पर क्लिक करके सिंपल सा डिस्प्ले पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये जो टाइटल है वो आपको आईडी पे दिखेगा। ठीक है, एक और चीज़ बता दोगे कि यहाँ पे ये जो टाइटल मिलता है वो सबको मिलता है, जैसे यहाँ पे हमारा गिल्ड 31 पे है तो ये टाइटल जो है मेरे गिल्ड के सारे प्लेयर को मिल चुका है, जो लोग गिल्ड वार खेला है वो भी, जो लोग नहीं खेला है वो भी। ठीक है, जिसका कम पॉइंट है ज़्यादा पॉइंट है उससे मतलब नहीं है, आपका गिल्ड अगर टॉप पे आता है तो आपके गिल्ड के सारे प्लेयर को ये वाला टाइटल मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गिल्ड वार का भी चलता है सीजन के, अभी देखो यहाँ पे सीजन 1 चल रहा और सीजन 1 का जो है राउंड 2 अभी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो लीडर बोर्ड है जिस पे हमारे गिल्ड का 3200 यहाँ पे स्कोर है, तो ये राउंड 1 और राउंड 2 दोनों को मिला के 3200। ठीक है, राउंड 1 का यहाँ पे देख सकते हो, राउंड 1 पे हम लोगों का 900 स्कोर था लेकिन कल के दिन हम लोगों ने ज़्यादा किया तो दोनों को जोड़ के 3200 हो गया। अब अगला सैटरडे को राउंड 3 स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग जितना स्कोर करेंगे वो सारा स्कोर जो है 3200 में काउंट होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अगर हमारा नेम रहता है टॉप पे तो हमें फिर से टाइटल मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से गाइस हर एक सीजन पे जो है पूरे 11 राउंड चलेगा, एंड जब 11 राउंड हो जाएगा फिर आएगा सीजन 2, और गाइस जब सीजन 2 आएगा तब ये जो स्कोर है वो सबका 0 हो जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो सबका 0 हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर से राउंड 1 राउंड 2 चलेगा, फिर से सबका पॉइंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, तो कुल मिला के यही है कि आपको हर बार गिल्ड वार खेलना है तभी आप लोग टॉप पे रहोगे, अगर एक बार ये मिस कर दोगे तो अगला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। अच्छा, सुखे सही, होप कि गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि ये टाइटल कैसे मिलता है, कब तक रहता है, एंड गिल्ड वार का जो पॉइंट है किल करने पे या फिर वोया करने पे वो कितना मिलता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पे गाइस सिंपल सा करना क्या है कि हर सैटरडे को आज जो गिल्ड वार मोड है वो स्टार्ट होता है तो आपके गिल्ड के सारे प्लेयर को बोलना है कि भाई उस मोड को खेलो, एंड ज़्यादा नहीं आपको बस 5 ऐसा मैच निकालना है जिसमें आपने वोया किया हो एंड आपके अच्छे खासे किल हो, मतलब 7-8 किल होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8-10-12 मैच खेलने से फायदा नहीं है, बस आपका अगर 5 मैच ऐसा निकल गया जिसमें आपने एकदम तगड़ा खेल दिया भुजा करके, तो भाई उसके बाद फिर आप नहीं भी खेलोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 मैच का ही पॉइंट जो है वो काउंट होता है। ओके, आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड गाइस यार मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।